आगे बढ़ते बात करेंगे डिंडौरी की, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक लाचार और बेबस पिता एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं होने पर नवजात का शव थैले में रखकर घंटों भटकता रहा। आपको यह भी बताया कि नवजात को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इसके बाद नवजात के परिजन उसे थैले में रखकर घंटों एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे, और जब मेडिकल कॉलेज जबलपुर ने उन्हें शव वाहन नहीं उपलब्ध करवाया तो मजबूरी में परिजन करीब 150 किलोमीटर नवजात का शव थैले में लेकर बस से अपने घर डिंडौरी पहुंचे। इसे देखकर और सुनकर लोगों में व्यवस्थाओं को लेकर काफी आक्रोश अब नजर आ रहा है। बच्चा कहाँ मरा है? जबलपुर। तो बच्चे को लाने के लिए वो नहीं मिला क्या आपको एम्बुलेंस? नहीं मिला। कहाँ बोल दिए? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये थैला में क्या है? बच्चे का शव है। तो आप सुन रहे हैं कितनी बेबस तस्वीर मध्य प्रदेश के इस स्वास्थ्य महकमे की, जो कि एक नवजात को शव वाहन या एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं करवा सकता। ये मामला जिसने भी सुना वो हक्का बक्का रह गया कि कैसे इतनी लचर व्यवस्था हो सकती है। डिंडौरी की ये पूरी तस्वीर जिसमें मानवता शर्मसार होती हुई नजर आई, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नवजात के शव को थैले में रखकर घंटों पिता यहां वहां भटकता रहा, लेकिन अस्पताल की तरफ से जवाब दे दिया गया कि शव वाहन उपलब्ध नहीं करवा सकते, एम्बुलेंस नहीं दे सकते हैं। 150 किलोमीटर का सफर तय कर थैले में लेकर नवजात के शव को परिजन घर पहुंचे हैं। तमाम बड़े सवाल जो कि जबलपुर मेडिकल अस्पताल पर भी उठते हैं कि क्या एक नवजात के शव को, कि एक पिता अपने बच्चे के शव को थैले में रखकर घूम रहा है, और क्या बीत रही होगी उस पिता पर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े करती ये तस्वीरें। एम्बुलेंस नहीं मिली तो थैले में लेकर नवजात का शव पहुंचा, अपने नवजात का शव लेकर पहुंचा एक पिता। बेहद दुर्भाग्यजनक, चिंताजनक और निराश कर देने वाली खबर डिंडौरी से। मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई यहां पर। लगातार हम ऐसी तस्वीरें कई बार देख चुके हैं, जब शव वाहन या एम्बुलेंस नहीं मिलने पर लोग लाचार होकर किसी दूसरे साधन से, किसी दूसरे तरीके से शव को ले जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब तो हद ही हो गई कि एक थैले में बच्चे के शव को ले जाना पड़ा एक पिता को। बेबसी, लाचारी, मजबूरी, यही हम कह सकते हैं। तस्वीरें बहुत हैरान कर देने वाली, क्योंकि ना सिर्फ बच्चे का शव इस थैले में था बल्कि वो दम तोड़ चुकी उम्मीदें थी जो कि प्रशासन से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति लगा रहा होगा कि कम से कम इस नवजात को एक एम्बुलेंस की सेवा तो मुहैया करवाई जा सकती थी। लेकिन अक्सर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं और तमाम बड़े सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़े होते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। ये मामला भी इसी तरह का है, जो कि कुछ दिनों बाद निश्चित तौर पर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह जाएगा। आगे जब इस तरह के मामले सामने आते रहे, कलेक्टर्स की तरफ से या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार ये कहते रहते हैं कि मामले संज्ञान में आए हैं, जानकारी जुटाएंगे, जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती भी है, लेकिन एक बार फिर से जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन ने एम्बुलेंस और शव वाहन मुहैया कराने से मना कर दिया, तो किस तरह से लाचारी और बेबस होकर इस व्यक्ति ने इस नवजात के शव को थैले में रखकर अपने गांव, अपने घर वापस लौटना ठीक समझा। लेकिन उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर किसी का भी मन पिघला सकती हैं, लेकिन प्रशासन इतना ठोस कैसे हो सकता है, ये अभी भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है। डिंडौरी की ये तस्वीरें, मानवता शर्मसार करता हुआ एक और मामला, तो काफी दुर्भाग्यजनक है। अवंतिका, जैसा कि आप बता रही थी कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन निराशाजनक ये है। और सोचने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन की सख्ती के बाद भी ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दावे तमाम किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बातचीत करेंगे सहयोगी कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, ठेले पर सिस्टम, खाट पर सिस्टम तो हमने देख ही लिया,
अब सिस्टम थैले में भी आ गया। जी बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा कि आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बड़ी विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक आदिवासी परिवार को एक सब वाहन नहीं मिलता, जिसके कारण जो बच्चा है बस में उस अपने बच्चे के शव को रखकर करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करके घर तक पहुंचता है। जिसने भी एक तस्वीरें देखी है, जिसने भी ये कहानी सुनी है, लोगों को बड़ा विचलित कर देने वाली है कि आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के जमाने की बातें कर रहे हैं और यहाँ पर एक शव वाहन न मिलने के कारण इनको करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर एक थैले में बच्चे के शव को रखकर घर तक पहुंचना पड़ता है। सुमित कृष्णा, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि क्या प्रशासन की तरफ से और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से संज्ञान लिया गया है या सिर्फ अब भी खाना पूर्ति की कोशिश? जी बिल्कुल, अभी तक बता रहा हूँ कि अभी तक इस मामले में ऐसा कोई ताजा अपडेट नहीं आया है, ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी का बयान सामने आया है जिसने इस मामले को संज्ञान लिया हो। अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी अभी सामने निकल कर नहीं आई है और बहरहाल लास्ट तो यही रहता ही है कि खाना पूर्ति की जाती है, मामले की जाँच कराई जाएगी कि आखिर गलतियां कहाँ हुई, यह औपचारिकता तो रहती है। निश्चित तौर पर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। कृष्णा बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे हैं लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आना एक बड़ी मुश्किल भी पैदा करती है, लेकिन अब प्रशासन पर सवाल कि आखिर कब तक इस तरह की तस्वीरें लचर व्यवस्था की सामने आती रहेंगी। बहरहाल आगे बढ़ते बात करेंगे राजगढ़ से अगली बड़ी खबर की, जहां अपहरण कांड में खुलासा हुआ है। राजगढ़ पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा करते हुए चचेरे भाई ने अदनान की अपहरण की साजिश रची इस बात का जिक्र किया है। 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी। नरसिंहगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में भी कामयाबी हाथ लगी है। भोपाल के युवक का राजगढ़ से अपहरण हुआ था, कल ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, लेकिन अदनान को छोड़ने के एवज में करोड़ों की फिरौती मांगी गई, ये एक बड़ा विषय। और अपहरण की साजिश रचने वाला कोई और नहीं चचेरा भाई निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष की, जिस पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और विवाद है फिल्म के डायलॉग को लेकर, और भी कई चीजें हैं जो विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं फिल्म की। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, फिल्म पर बैन की मांग यहां पर की जा रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के संतों ने फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग और दृश्यों पर विरोध जताया। उसके अंदर आवरण में भी कहीं ना कहीं मिलावट है और आचरण के अंदर भी है, क्योंकि देवताओं का जो आचरण और आवरण जो हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है वो स्पष्ट है कि यदि भगवान राम है तो उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनका रूप कैसा था, उनका लावण्य कैसा था, उनका शस्त्र कैसे थे, सब कुछ उसके अंदर उल्लेखित है। वहीं हनुमान जी का भी यही उल्लेखित है, तो वो तो आप आवरण से कहीं ना कहीं मात खा गए। जगत जननी माता सीता जी को इतने फोड़ ढंग से प्रस्तुत किया है कि जो हिंदू उसको देखेगा उसकी भावना को कहीं कहीं ठेस पहुंचेगी। जो ग्रंथ मर्यादाओं पर आधारित है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जगत जननी श्री जानकी जी यानी माता सीता जी शालीनता का, भक्ति का, मर्यादा का स्वरूप है, और उनके इस इतने पवित्र चरित्र को भी अगर इस प्रकार से अश्लीलता लेते हुए परोसा जाएगा तो आखिर हमारे हिंदू धर्म का क्या होगा। आदि पुरुष फिल्म